तो यहाँ पर ये बैठने की भी जगह है, तो इनका मोस्ट रिकमेंडेड है, मेरा जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है वो पनीर डोसा है। ओम स्वीट्स तेल के घी डालते हैं, घी नहीं डालते, इनका हल्का है, लाइट है। अगर आपको कहीं डिनर करने बहुत हल्का सा, तो आप यहाँ कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ राजी। आज हम लोग जा रहे हैं अपना साउथ इंडियन फूड खाने। साउथ इंडियन में मसाला डोसा, इडली, और देखते हैं और क्या खा सकते हैं। भूख ऐसे है नहीं इतनी, निकिता का मन कर रहा है तो हम जा रहे हैं। और ये गुड़गांव सेक्टर 4 मार्केट में है। इनको 15 साल के करीब हो गया है मेरे को देखते हुए कि ये लगा रहे हैं। तब से पहले कहीं और लगाते थे, मतलब आस पास ठेला लगाते थे, फिर उन्होंने दुकान ले ली, तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ जाके। और टेस्ट बहुत अच्छा है, प्राइसिंग बहुत अच्छी है इनकी। अराउंड 70 रुपीज़ का शायद मसाला डोसा है, 60-70 रुपीज़ का मसाला डोसा है। इडली 50 रुपीज़ की है। तो प्राइसिंग तो स्ट्रीट फूड वाली है, लेकिन अच्छे तरीके से सफाई से खाना देते हैं और आपको खाने का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है लोगों को यहाँ का, सबको। तो एकदम करारा डोसा कर देते हैं, मसाला डोसा। उनका पनीर डोसा भी बहुत अच्छा है। अभी मन तो नहीं है, देखता हूँ अगर वहाँ जाके मन कर जाए पनीर डोसा खाने का। बाकी निकिता को और सबको हमारे घर में उनका सांभर, सब चीज़ें बहुत पसंद है। हमें जब भी मन करता है तो हम कभी वहाँ खाने चले जाते हैं, तो वो भैया डोसा बहुत अच्छा बनाते हैं। तो कभी भी हमें मन करता है डोसा खाने का, तो हम शाम को, मैं, सनी, मम्मी पापा, हम चारों आ जाते हैं यहीं पे खाने। तो हल्का भी रहता है, प्लस ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और ना, आप जितनी बार भी सांभर मांगो तो आपको सांभर देंगे, चटनी मांगो, और वो मांगो भी क्या, वो खुद ही आते रहते हैं टेबल के पास कि सांभर चाहिए, चटनी चाहिए, जो भी चाहिए, वो बार बार ऑफ़र करते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, प्लस क्वान्टिटी क्वालिटी दोनों अच्छी है, और हाइजीन भी मेनटेन करके रखा है, तो सब कुछ अच्छा है। तो इसलिए चलो आप चलते हैं डोसा खाने। ये सेक्टर 4 की मार्केट का एरिया है। हमने यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर दिया है। यहाँ पे आपको इजीली पार्किंग मिल जाती है। ओम स्वीट्स आप मैप में लगा सके आ सकते हो, सेक्टर 4 ओम स्वीट्स। तो जाते हैं डोसा खाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे खाने के, लाइक बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। ये रही निकिता, ये ओम स्वीट्स है। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फेमस ही है। आगे चलते हैं, खाना खाते हैं डोसा। तो ये मेरा डोसा मिल गया है जल्दी से ही आज, ये हो गया ठीक है। एक सांभर भी दे दो एक्स्ट्रा। उठा के साइड दो, मसाला पूरे रेडी हो गया। ये लो, बचा गया जल्दी। ये कहाँ गए? इसलिए बहुत जल्दी मिल गया। हाँ, वो उन्होंने आज बड़े सारे बना के रख रखे हैं। नहीं, ठंडा नहीं है, बनते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। वो खाना है मम्मी, ये सांभर वड़ा? नहीं, सांभर वड़ा नहीं। इडली खत्म हो गया, आप डोसा खाओ, आप बताओ कैसा लगा। लाल चटनी भी तो नहीं दी इन्होंने। डोसे में बरकत है। क्या है बरकत? बरकत क्या होता है? मतलब बकरार, क्या बोलते हैं उसको? बरकत ही बोलते हैं। बरकत मतलब कि हाँ, बहुत अच्छा बरकरार है। गुंडा बनेगा रे तू। तो डोसे का टेस्ट बरकरार है हमेशा की तरह। ये प्रिपरेशन है इनकी, इनकी ये चटनी हो गई, ये मसाला का वो सांभर हो गया। सांभर अच्छा है इनका, ज़्यादा थिक नहीं होता, जैसा होना चाहिए वैसे ही होता है। चटनी भी अच्छी है, चटनी ये वैसा ही मिलता है। जैसे मैं हैदराबाद में एक बार जाऊँ, केरला में भी रहूँ ना, ऐसी चटनी होती है वहाँ पर भी, ये वाली ऐसी चटनी होती है वहाँ पर, और इवन सांभर भी ऐसा होता है। तो अभी आपको पूरा अच्छा, तभी आपको पसंद है यहाँ का डोसा। हाँ, डोसा कैसा लग रहा है आपको?
वहाँ का ढोसा बहुत ही अच्छा होता है यार, इतना लाइट वेट होता है ना, और ऐसा लगता है कि बस एक बार वंस इन अ वीक डिनर ही होना चाहिए, और हम तो करते भी हैं। आज इडली नहीं मिली, मेरा तो इडली खाने को बहुत ही मन, रेड वाली चटनी होती है इनके जो लहसुन टमाटर लाल तीखी वाली मिर्च से बनती है, शायद मैं गेस कर रही हूँ, मैं श्योर नहीं, पर वो बहुत ज़्यादा ही यम्मी होती है, उसके साथ इडली और डोसा खाने का मज़ा ही अलग होता है। मुझे तो डोसा अच्छा लगता है क्योंकि ऑयल फ्री है। ऑयल फ्री होता है डोसा तो? नहीं नहीं सर, कहीं ओम स्वीट्स तेल के घी डालते हैं, ये नहीं डालते, इनका हल्का है, लाइट है। अगर आपको कहीं डिनर करने बहुत हल्का सा तो आप यहाँ कर सकते हो। मम्मी आपको कैसा लगता है? क्या बोलते हैं, मेरे को अच्छा लगता है बहुत ही, और आज बड़ा मंगाया, ज्यादा भूख नहीं थी और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। मम्मी ने फिर भी खा लिया, मम्मी को भूख नहीं थी बट मम्मी को अच्छा लगा बड़ा। तो ये सब अपना डोसा एंजॉय कर रहे हैं, मेरा भी थोड़ा सा मन नहीं हो रहा है खाने का, भूख नहीं है क्योंकि मैंने इससे आने से पहले ना शाम में समोसा खा लिया था। तो हम लोग लेपर्ड ट्रेल गए थे, आपने लास्ट टाइम हमारा वीडियो देखा हो तो लेपर्ड ट्रेल गए थे, तो वहाँ पर हमने मैगी खाई थी, मैगी खाने के बाद मैंने घर आके समोसे खा लिए थे इसलिए भूख नहीं लगी। तो आपको दिखाता हूँ ये बनाते कैसे हैं डोसा। तो ये भैया को मैं 10-15 साल से देख रहा हूँ, यहाँ पर ही एक साथ बड़े सारे डोसे लगाते हैं। एक पनीर डोसा, एक प्लेन डोसा, पांच वाला। भैया का स्टाफ हो जाए, किसी भी चीज़ से ही बात करो, एकदम सभ्य तरीके से आपको खिलाते हैं, आपको मज़ा आता है, आपको हॉस्पिटैलिटी भी फील होती है, आपको अच्छा लगता है, और प्राइसिंग भी देख कर सब कुछ, यहाँ पर सब तरह के लोग आते हैं। तो भैया के अपने पुराने कस्टमर बने हुए हैं, हम भी हैं भैया के कस्टमर पुराने उनमें से, तो हमें तो अच्छा ही लग रहा है जब से हम भैया के पास आ रहे हैं। ये सारे डोसे बन रहे हैं, अब इसके अंदर जिस जैसा जैसा आप जिसने ऑर्डर किया होगा कुछ मसाले का, बिजी रहती है हमेशा, शोर रहता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर छोटी सी चलने की जगह ही है और यहाँ पर बाइकें वाइकें सब चलते रहते हैं। तो ये भी अपने डोसे करारे हो रहे हैं, तो भैया के बहुत पुराने कस्टमर आके भैया से मिलके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जब आपका डोसा 1 रुपये का आता था तब से हमारे आपके पास। इस सब पे जल्दी जल्दी गया मसाला लगा रहा, तो एक साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डोसे एक साथ बन रहे हैं। हाँ 9, कैलकुलेशन सही है। तो भैया अगर ये तवा है तो 9 डोसे भैया एक साथ बनाते हैं। तो आप भीड़ लगा के हिसाब लगा सकते हैं कि यहाँ पर कैसा माहौल रहता होगा, यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो जाती है, इडली नहीं मिल रही है अभी, 9:30 और 9:30 बजे का समय हो रहा है और इडली ख़त्म हो चुकी है। भैया बिजी रहते हैं तो पता नहीं भैया से बात कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन सही है। इस पे हरा धनिया, प्याज, टमाटर, ये सारे मसाले डोसे ही लगे हैं। पहले वाले में कुछ इन्होंने अलग से स्पेशल मसाला डाला था, अच्छा हाँ वो वेज डोसा है, वेज एंड पनीर डोसा मिक्स। इनका पनीर डोसा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती इसके अंदर, एकदम लबालब पनीर से भरा भरा है। ये सबको अलग कर दिया इन्होंने, एक्सपीरियंस है सालों का भैया बना रहे हैं, और भैया बहुत ही प्यारे हैं, मतलब बात करने में उनसे कभी बात करी जाए तो बहुत अच्छे से बात भी करते हैं भैया, तो उतना सही एक्सपीरियंस रहा है जितनी बार भी हम यहाँ पर आए हैं। तो दो बाकी करारे डोसे हो रहे हैं और डोसे लग रहे हैं यहाँ पर, मैं पनीर उत्पम भी दिखाऊंगा आपको। तो इनका मोस्ट रिकमेंडेड है, मेरा जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो पनीर डोसा है और पनीर उत्पम है, और निकिता को वो सब वहाँ पे खड़े होकर खाना खा रहे हैं, इनको पसंद है यहाँ का नॉर्मल मसाला डोसा और इडली, सब अच्छा है। बाकी भैया से बात करने की कोशिश करेंगे कि भैया का पूरा एकदम मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही है, अंदर भी डोसा बन रहा है। तो ये वाला अंदर वाला मैं पहली बार देख रहा हूँ, बाहर वाला तो अपना ये देखता ही आ रहा हूँ कि बाहर हमेशा बनता ही रहता है। यहाँ पे भीड़ रहती है हमेशा, अच्छे से खाने को मिलता है
और ये रे भैया जो इतने सालों से इतना स्वादिष्ट डोसा बना रहे हैं हमारे लिए। देखो भैया को नमस्ते कर रहे हैं सब लोग आके, तो यहाँ पर भैया का अपना ही एक मतलब फैमिलीपन बन गया है यहाँ पर, इतने सालों से यहाँ पर है सेक्टर 4 गुड़गांव की मार्केट। और ये कहना पड़ेगा कि कुछ भी कहो ये डोसे का कंपटीशन मुझे नहीं दिखता है यहाँ पर अपने गुड़गांव में, जिस हिसाब से ये डोसा बनाते हैं, जिस हिसाब से क्रिस्पीपन इनके डोसे में है, या जैसा भी मतलब आप डोसा खाना चाहते हो मैं वैसा आपको बना देते हैं। आप यार भैया बिजी हैं अभी, बात करने का तो सीन बन नहीं पाएगा मुझे लगता, किसी दिन और आगे भैया से बात करेंगे और उनके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये बहुत सालों से बना रहे हैं यहाँ पर, बहुत सालों का होता है कि बहुत सालों से यहाँ के लोग उनको जानते हैं, यहाँ के बच्चे बच्चे उनको देखते हुए बड़े हुए हैं, आज ही आके भैया को लोग नमस्ते करते हैं और खाना खाते हैं, तो परिवार की तरह एक लोगों का यहाँ पे इनसे अटैचमेंट बना हुआ है। पनीर डोसा कैसा लगता है, पनीर वर्सेस मसाला डोसा यहाँ का? मसाला डोसा, पनीर थोड़ा मुझे इससे नहीं पसंद, क्योंकि जब डोसा खाने आए तो पनीर के खाएं। तो यहाँ पर ये बैठने की भी जगह है आप लोगों को पहले बता रहा था, तो अभी निकलते हैं यहाँ से, हमारा डोसा हो गया ख़त्म, इन लोगों ने भी डोसा खा लिया है पूरा, निकलते हैं यहाँ से, अपने डोसे वाले भैया को कर देते हैं बाय बाय। शिवाजी डोसा है ये, शायद आपको स्विगी और जोमेटो पे भी मिल जाएगा। तो अपना डोसा बढ़िया है, अपना डोसा खाया हमने, ओवरऑल दिखता नहीं खाया बेसिकली, मैं तो यहाँ पे बहुत बार खा के खा लेता हूँ जब भी मेरा मन करता है। तो मार्केट में कंस्ट्रक्शन वगैरह भी थोड़ी सी चल रही है, इस मार्केट को थोड़ा और अच्छा बनाया जा रहा है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको बहुत खाना मिलता है, बहुत तरह का खाना मिलता है, कुछ भी आपका मन हो तो आप यहाँ पर आके आराम से खा सकते हो। डोसे का रिकमेंडेशन मेरा यही है कि सब आए और खाएं इसको, ना वो है ना हाईवे किंग का खाना चूक ना जाना, तो ये है डोसा, मद्रासी डोसा चूक ना जाना। बहुत सही है, अच्छा है, आप लोग आओ ट्राई करो, ट्राई करने पे ही पता चलता है सब कुछ। हाँ, चीप एंड बेस्ट, मम्मी का कहना है चीप एंड बेस्ट। गीता, अगर हम सेक्टर फोर वर्सेज सेक्टर 14 वाले डोसे को कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ज़्यादा बेटर है? नहीं, ये ज़्यादा बेटर है, चार सेक्टर वाला ज़्यादा बेटर है। और दूसरा ये कि सेक्टर 14 के डोसे का अलग अपना तरीका है बनाने का और इनका अलग तरीका है, तो आप हर डोसे को टक्कर नहीं दे सकते, तो मतलब कंपेयर नहीं कर सकते एक तरीके से। तो अगर आपका मन करे, आपको दोनों का पसंद है, लेकिन ज़्यादा किसका पसंद है? यार मुझे दोनों का पसंद है। अगर दोनों एक प्लेट में ये वाला रख दिया, एक प्लेट में वो वाला रख दिया, तो कौन सा खाओगी? दोनों खाऊंगी थोड़ा। तो दोनों ही अच्छे हैं, तो निकलते हैं अपना घर जाते हैं। तो हम जा रहे हैं घर की ओर, और घर की ओर जाएंगे और रेस्ट करेंगे। कल मिलते हैं फिर से आप लोगों से, सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमें क्या इम्प्रूव करना है, कैसे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, right. कैसे वीडियोस आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं, ओके बाय, पीस आउट, बाय।